इस बीच पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुबह 11 बजे कोर्ट तोशाखाना मामले में सजा सुनाएगी। आज का दिन इमरान खान के लिए काफी अहम है। अभी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सजा का ऐलान होना है इमरान की याचिका पर। सुबह 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजराइल के हवाई हमले से सीरिया के एक एयरपोर्ट पर उड़ानें ठप हो गई। इजराइल और सीरिया में ठनी पड़ी है और इजराइल का दुश्मन ईरान सीरिया का दोस्त है, इसलिए इजराइल आए दिन सीरिया पर हमले करता रहता है। और एक बार फिर उसने रात के अंधेरे में सीरिया को दहला दिया। इस बार उसके निशाने पर वहां का अलेप्पो शहर था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने रात में हवाई अटैक किया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया और आनन-फानन में एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द कर दी गईं। इजराइल की मीडिया के मुताबिक इस हमले में सीरिया के कुछ सैनिक मारे गए, जबकि कई सैनिकों के घायल होने की खबर है। इजराइल ने पिछले कुछ सालों में कई बार सीरिया में घुसकर भीषण हमलों को अंजाम दिया। उसका दावा है कि वो सीरिया में मौजूद लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला और ईरान के समर्थन वाले दूसरे आतंकी गुटों को निशाना बनाने के लिए ही ये हमले करता है, क्योंकि ये सभी आतंकी संगठन मिलकर उसके खिलाफ साजिश रचते हैं। ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि वहां